दोस्तों Redmi लॉन्च करने वाला है अपना एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है Redmi Note 7। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इसकी जो प्राइस होगी वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होगी, और जो इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है 48 मेगापिक्सल। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, क्यों मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। दोस्तों ये जो सीरीज है Redmi, ये इंडियन स्मार्टफोन में भैया काफी ज्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों Xiaomi के सब ब्रांड Redmi जो काफी ज्यादा पॉपुलर है बजट सेगमेंट में अगर इंडिया में बात करें। लेकिन दोस्तों इस बार फरवरी में लॉन्च होने वाला है Redmi Note 7। दोस्तों इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। और दोस्तों ये जो कैमरा है ये बेसिकली 12 मेगापिक्सल का है। दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करते हो तो आपको 12 मेगापिक्सल की आती है, लेकिन दोस्तों आप जब प्रो मोड में फोटो क्लिक करोगे तो वो जो फोटो होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल के कैमरे का। दोस्तों वो जो फोटो होगा वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब कि सॉफ्टवेयर के थ्रू 48 मेगापिक्सल का है, क्योंकि दोस्तों पिक्सल साइज को इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि आप खुद ही सोचो स्नैपड्रैगन 660 जो बेसिकली सपोर्ट ही नहीं करता 48 मेगापिक्सल का, तो दोस्तों वो जो 48 मेगापिक्सल वाला काम हो रहा है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर से हो रहा है। तो आप इस चीज पे भरोसा करो, क्योंकि यार देखो फेक कैमरा है, क्योंकि जब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, अगर आप 48 मेगापिक्सल के प्रो मोड में फोटो क्लिक करोगे और फोटो को जूम करोगे तो आपको क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। स्क्रीन पे आप कुछ फोटो देख सकते हो 48 मेगापिक्सल के Redmi Note 7 से क्लिक हुई। दोस्तों आप ये फोटो को देखो यार, बिल्कुल भी मतलब कि अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों अब ये फोटो आप देखो, ये है दोस्तों Honor View 20 के। दोस्तों Honor View 20 जो स्मार्टफोन है आपको देखने को मिलता है भैया 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, वो भी सोनी का सेंसर है IMX586। तो काफी ज्यादा अच्छी फोटोज देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा क्लैरिटी है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि Redmi Note 7 है ये सिर्फ एक हाइक बनाई जा रही है 48 मेगापिक्सल की। बेसिकली वो जो काम हो रहा है वो हो रहा है सॉफ्टवेयर से, कोई सेंसर ही नहीं है भाई 48 मेगापिक्सल का, तो हम क्यों बेवकूफ बने, आप खुद ही सोचो। और दोस्तों बस यही है। और दोस्तों अगर आपको ये एक अच्छी प्राइस में 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन लेना है तो दोस्तों आप थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि भैया Redmi 7 Pro आएगा, वो आएगा भैया 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। उसमें भी भैया सोनी का IMX586 सेंसर होगा, जो देखने में भैया काफी ज्यादा खतरनाक होगा। थोड़ी सी डिजाइन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा Redmi Note 7 और 7 Pro में, तो यार डेफिनेटली वो स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा Realme भी अपना 48 मेगापिक्सल के साथ भैया लॉन्च करने वाला है अपना Realme 3, ऐसा कुछ रूमर्स लीक्स निकल के आ रहे हैं भैया। और इसके अलावा सैमसंग ने तो भैया मार्केट में एंट्री कर ही दी सैमसंग गैलेक्सी M20 के साथ, वहां पे आपको काफी ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। हाँ प्रोसेसर थोड़ा सा मतलब खराब है यार, क्योंकि प्रोसेसर 7904 जो प्रोसेसर है काफी खराब है वो M20 में, क्योंकि वो 4 साल पुराना है। लेकिन उसके अलावा 5000 mAh की बैटरी, USB Type-C, और इसके अलावा भी भैया फास्ट चार्जिंग मिलती है, मतलब कि यार एक कम्प्लीटली अच्छा पैकेज है। मुझे लगता है कि भैया इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्योंकि और ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन आने वाले हैं। तो आप प्लीज कुछ टाइम के लिए Redmi Note 7 को मतलब कि होल्ड पे रख दो, मतलब कि अगर आपको अच्छे स्मार्टफोन ना मिले तो आप फिर ले लेना ये स्मार्टफोन, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, काफी ज्यादा अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मजा आने वाला है। और दोस्तों बस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको लगता है कि भैया मैंने जो ये जो वीडियो बनाई एकदम परफेक्ट बनाई आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि मैं जब भी फ्यूचर में ऐसी वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।